दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज्यादा गुड न्यूज या सबसे बेहतरीन दिन वो रहता है जब हमारा एप्लीकेशन या हमारी मेहनत को हम दिखाते हैं प्ले स्टोर पे पब्लिश करके। यानी ये सीधे भाषा में बताता हूँ कि अगर आपने बहुत बढ़िया एप्लीकेशन डेवलप किया खुद से या फिर डेवलप कराया किसी डेवलपर से, लेकिन वो सारी मेहनत, वो सब कुछ तब मजा आता है देखने में जब आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाता है तब। लेकिन बहुत दुख तब लगता है जब आपका एप्लीकेशन पब्लिश होने के लिए आपने डाल दिया, लेकिन किसी कारण वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, सस्पेंड हो गया, या आपका प्ले कंसोल का अकाउंट टर्मिनेट हो गया। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। फर्स्ट जब आपने प्ले कंसोल अकाउंट बाय किया, उस दिन ही आपने एप्लीकेशन पब्लिश के लिए डाला और उसी दिन सेम डे टर्मिनेट भी हो गया। इसके बहुत रीजंस होते हैं दोस्तों, और प्ले कंसोल पे एप्लीकेशन पब्लिश करने के पहले आपको प्ले स्टोर की पॉलिसीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। देखो दोस्तों, क्या होता है, जब आप एक अपना एप्लीकेशन डेवलप करते हो आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करने के लिए, उसके लिए आप प्ले कंसोल अकाउंट बाय करते हो। बाय करने के बाद आप लोग बिल्कुल इन सब चीज़ों में नए हो, आप लोगों को नहीं पता है कि प्ले स्टोर की पॉलिसीज इन सब चीज़ों को लेके कितना स्ट्रिक्ट रहती है, कि आपकी एप्लीकेशन में क्या है, आप यूजर्स को क्या दिखा रहे हो, आप यूजर्स से क्या डाटा ले रहे हो, आपका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हो तो। ठीक है, और दूसरी बात यह कि एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए, वैसे तो हम वेबसाइट पर भी उसको लाइव कर सकते हैं, अपने वेबसाइट खुद लैंडिंग पेज बना के वहां पर भी लाइव कर सकते हैं, लेकिन लोगों का जो ट्रस्ट होता है ना वो प्ले स्टोर पर ज्यादा है। तो वहां पर अगर आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करते हो तो चांसेस है कि आपके एप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स आएंगे। खैर, आज इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर की पॉलिसीज के बारे में बताने वाला हूं। वैसे तो प्ले स्टोर की पॉलिसीज, प्ले स्टोर की नहीं, प्ले कंसोल की डेवलपर पॉलिसीज जो रहती हैं वो लगभग 12-13 ऐसी पॉलिसीज हैं, लेकिन 12-13 एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मेरे लिए टफ होगा। इट्स अराउंड लगभग 2 घंटे या 3 घंटे का पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि पॉलिसीज के नेम मैं इसमें बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा कि एक्चुअल में उसमें क्या होता है, बट पूरा डिटेल में जाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। पर हाँ, मैं इसके कुछ पार्ट्स बना रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके पार्ट्स बनाऊंगा मैं। अगर अभी जस्ट मैं ये जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो वो जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अपलोड होने में सम टाइम लगता है, कुछ दिन लगेंगे, 5 या 10 दिन लगेंगे। लेकिन 10 या 20 दिन बाद अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो या फिर 1 महीने हो चुके हैं तो आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। तब तक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक भी अपलोड कर दूंगा या फिर लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों बात करते हैं सीधा फर्स्ट पॉइंट की तरफ, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट। दोस्तों, ये पॉलिसी ये कहती है हमें कि अगर आपके एप्लीकेशन में बच्चों से, मतलब जो बच्चे देख सके वैसा कंटेंट नहीं है, मतलब जो बच्चे देखना चाहते हैं वैसा कंटेंट नहीं, आपने अडल्ट के लिए बनाया हुआ है कंटेंट, जो भी जैसे नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन वहाँ पे लिखा रहता है 18+, ठीक है, वैसे एप्लीकेशन में आपके जो जब आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हो वहाँ पे आपको रेटिंग देनी पड़ती है। रेटिंग में आपको बताना पड़ता है कि आपके एप्लीकेशन में कितनी न्यूडिटी है, आपने कंटेंट कैसा डाला हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्ले कंसोल पे एप्लीकेशन को पब्लिश करते हुए ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। ठीक है, बताना पड़ता है, हालांकि ये मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सेकंड, आप अगर आपके एप्लीकेशन में गैमलिंग या फिर किसी टाइप का रियल मनी कुछ ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे जो आपके यूजर्स हैं वो सच में रियल मनी कैश जीत रहे हैं, मतलब एक तरफ से गैमलिंग सट्टेबाजी वाला आपका एप्लीकेशन है, तो भी वो एप्लीकेशन आपका प्ले स्टोर अप्रूव नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब थर्ड, इसका रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट का थर्ड सब पॉइंट है कि आपके एप्लीकेशन में इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। कोई भी इलीगल चीज़ें आप वहां पे सेल ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे वीड हो गया, या कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, या फिर इलीगल चीज़ अगर आप वहां पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो भी आपका एप्लीकेशन प्ले कंसोल की पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, ऐसे रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट में बहुत सारे लगभग 6-7 सब पॉइंट्स हैं, आप लोग एक बार जाके जरूर रीड कर लीजिएगा। अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, पूरे पॉइंट्स को वॉच कीजिएगा, पूरे पार्ट्स को वॉच कीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है इम्परसोनेशन। ये क्या होता है, डुप्लीकेट, मतलब ये हुआ कि आप किसी एप्लीकेशन का क्लोन बना रहे हो। अगर देखो क्या होता है, अगर समझ के चलिए कि टिकटॉक लोग सर्च कर रहे हैं प्ले स्टोर पे, या फिर यूट्यूब लोग सर्च कर रहे हैं प्ले स्टोर पे, तो आपको क्या लगेगा, यूट्यूब का सर्च जो है, सर्च जो लोग ज़्यादा, मतलब यूट्यूब के बारे में लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब के नाम से एक और एप्लीकेशन बना दोगे। तो ये भी गलत है, प्ले कंसोल की पॉलिसी के खिलाफ है ये। एक्चुअल में आपको किसी एप्लीकेशन का क्लोन या फिर किसी एप्लीकेशन के नेम को
यूज नहीं करना है, जो जिस नेम से एप्लीकेशन पब्लिश है सेम नेम को आपको यूज नहीं करना है। ये यूजर्स को गुमराह करता है कि यूजर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिजिनल एप्लीकेशन कौन सा है। एग्जांपल के तौर पे अमेजोन एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सर्च होता है प्ले स्टोर पे, लोग डाउनलोड करते हैं अमेजोन एप्लीकेशन को वहां से प्ले स्टोर से। अब आपने क्या किया कि यार लोग ज्यादा अमेजोन के नाम से सर्च कर रहे हैं, हमने भी शॉपिंग एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, नाम हम अमेजोन रख देंगे। तो आपने प्ले स्टोर पे पब्लिश किया, उसके सेकंड डे ही आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, अकाउंट भी आपका टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है कि हम किसी बड़े फेम का नाम यूज करें। बड़े नहीं, छोटे का भी आप नाम यूज नहीं कर सकते, जिनके अबाउट $10,000 है उनका भी नाम आपको यूज नहीं करना है। सेम नेम के एप्लीकेशन नहीं होने चाहिए, किसी के क्लोन किसी का कॉपी एप्लीकेशन आपको नहीं बनाना है। आपके एप्लीकेशन में एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये प्ले अगर आप सेम बनाते हो तो ये प्ले कंसोल की पॉलिसी के खिलाफ है, आपका अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। ये थर्ड पॉलिसी है मोनेटाइजेशन एंड एड्स पॉलिसी। देखो क्या है दोस्तों, जब भी हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं तो ये हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए पब्लिश कर रहे हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, अब पैसा कमाने के लिए अगर हम एप्लीकेशन को पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वेज हैं। मोनेटाइजेशन है, स्पॉन्सरशिप है, मर्चेंडाइज है, इन ऐप परचेस है, ई कॉमर्स चीज़ों को आप वहाँ पे सेल करो, लगभग 4-5 ऐसी चीज़ें जहाँ पे जिस बिजनेस मॉडल से आप अपने एप्लीकेशन को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपके एप्लीकेशन में मोनेटाइजेशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा इस तरीके का कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ध्यान दिया, एग्जांपल के तौर पे हर क्लिक पे आपने ऐड लगा दिया है, तो वो भी प्ले कंसोल की पॉलिसी के खिलाफ है। उससे क्या होगा, यूजर्स आपके एप्लीकेशन को एक तो पसंद नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, बार 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 ऐड पे क्लिक हो रहा है जिसकी वजह से गलत जो एडवर्टाइजर होते हैं उनके पैसे गलत जगह जा रहे हैं, ये भी प्ले स्टोर की पॉलिसी के खिलाफ है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिजेक्ट और सस्पेंड तो जरूर होगा। ठीक है, सो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए। और आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि आप अपने एप्लीकेशन में मोनेटाइजेशन का जो बिजनेस मॉडल होता है, जो आप अपने एप्लीकेशन जिस तरीके से मोनेटाइज कर रहे हो, वो लीगल वे होना चाहिए, इलीगल वे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर ड्रीम इलेवन जैसा आपका एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया कि यूजर्स को अट्रैक्ट किया कि अपने एप्लीकेशन की तरफ, आप वहां पे आइए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए, पैसे जीतिए, सट्टेबाजी टाइप एप्लीकेशन, वैसा नहीं होना चाहिए। वो मोनेटाइजेशन मॉडल अगर आप अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते हो तो आपका एप्लीकेशन सस्पेंड हो जाएगा, अकाउंट भी टर्मिनेट होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये तीन पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ऐसे और भी कई पॉइंट्स हैं प्ले कंसोल की पॉलिसीज के। अगर आपको ये पसंद आया, समझ में आया है, और अगर आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करने जा रहे हो तो हालांकि इन तीन चीज़ों की वजह से आप बच सकते हो, बहुत सारे पॉलिसीज हैं। आप मेरे वीडियोस पे बने रहिए, मैं और भी पॉइंट्स को कवर करूंगा मेरे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप ये आफ्टर 10 डेज देख रहे हैं तो वो वीडियोज ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके होंगे, तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मैंने, आप प्लीज़ वॉच कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।